This is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Funny Boy which is written by Shyam Selvadurai. So aaj is video mein hum discuss karenge Funny Boy novel ke bare mein jiske playwright hain Shyam Selvadurai. So hum dekh lete hain ki hum is novel ke bare mein kya kya cheeze discuss karne wale hain. So first of all we'll discuss about introduction to the author Shyam Selvadurai. So sabse pehle to jo author hain jo playwright hain unka introduction hum discuss karenge. Then we'll discuss about introduction to this novel, then list of characters and then plot summary. So guys, this novel Funny Boy is divided into 5 chapters. Here I will discuss the plot summary with you. If you guys want the chapter wise summary as well, so let me know in the comment box. Here we'll discuss only plot summary so that aapko is novel ke bare mein ek understanding mil jaye ki aakhir plot kis tarike se develop hota hai. Then we'll discuss about the themes and then symbols. So these are the topics which we are going to discuss here. So without any further delay, let's discuss about introduction to the author Shyam Selvadurai. So guys, here is introduction to the author. So Shyam Selvadurai was born in Colombo, Sri Lanka in 1965. So jo Shyam Selvadurai hain, hamare jo playwright hain, unka janm Sri Lanka Colombo mein hota hai 1965 mein. And then he went to Canada with his family at the age of 19. Further wo jo bhi padhai hoti hai unki wo Canada mein hi karte hain. तो इनका जन्म तो होता है श्रीलंका में बट बाद में ये कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ जब इनकी एज 19 इयर्स होती है और अपनी आगे की जो भी स्टडीज होती है वो फॉरेन में ही कंटिन्यू करते हैं कनाडा में. एंड हिज फर्स्ट नॉवल फनी बॉय पब्लिश्ड इन 1994. सो द नॉवल विच वी आर डिस्कसिंग हियर विच इज फनी बॉय, इट वॉज हिज फर्स्ट नॉवल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1994, वन द डब्ल्यू एच स्मिथ बुक्स इन कैनेडा. सो ये कुछ अवार्ड हैं जो कि इनके इस नॉवल ने जीते हैं, डब्ल्यू एच स्मिथ बुक्स इन कैनेडा, फर्स्ट नॉवल अवार्ड एंड US लैम्डा लिटररी अवार्ड. सो दीज आर सम अवार्ड्स जो इस बुक ने जीते. एंड ही वॉज श्रीलंकन कैनेडियन नॉवेलिस्ट राइटर. हिज आर्टिकल्स हैव बीन पब्लिश्ड इन न्यूमरस मैगजीन्स इंक्लूडिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम्स मैगजीन, सॉरी द टाइम मैगजीन एंड द टोरोंटो लाइफ. सो इनकी सबसे पहली नॉवल वो हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे हैं जो कि फनी बॉय है. इसको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और ये कैनेडियन श्रीलंकन नॉवेलिस्ट प्ले राइट हैं. और इनके जो आर्टिकल्स है, इट्स मीन ये कई बार फ्रीलांसिंग की तरह भी एज अ फ्रीलांसर भी काम किया. इन्होंने कई सारी मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखा और इनके जो कुछ पब्लिकेशंस है आर्टिकल्स है वो हमें इन सब मैगजीन्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं. एंड ही इज करंटली लिविंग इन टोरोंटो. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द श्याम सेल्वादुराई. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल. So guys, here is introduction to this novel. This novel was published in 1994 as I told you initially and translated into 8 languages. It is important. ये novel इतनी पसंद की गई कि इसको 8 languages में भी translate किया गया. Novel sets in upper middle class Tamils in Sri Lanka. As you know that Sri Lanka में सिंहालीज और जो तमिल हैं उनका conflict चलता रहता है. कुछ लोग इसको सिंहली भी कहते हैं, कुछ सिंहाली. So आप pronunciation पर मत वो चीजें बाउंड करना. सो ये नॉवल जो है ये अपर मिडिल तमिल क्लास तमिल फैमिली से रिलेटेड है जो श्रीलंका में रहती है. इट वॉज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल बट ड्रॉज ऑन सेल्वादुराई एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग गे इन श्रीलंका. सो देखो ये कोई श्याम सेल्वादुराई की ऑटोबायोग्राफी नहीं है लेकिन उनके एज अ गे जब वो श्रीलंका में थे उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसकी झलक कहीं ना कहीं हमें से इस नॉवल में देखने के लिए मिलती है. एंड ग्रोइंग अप ड्यूरिंग वायलेंस बिटवीन बुद्धिस्ट सिंहाला मेजॉरिटी एंड हिंदू तमिल मेजॉरिटी 1970s एंड अर्ली 1980s. अगर आप में से कोई पॉलिटी बैकग्राउंड से है तो उसने मे भी ये सारी चीजें पढ़ी होगी कि सिंहालीज का और तमिलिस का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है और 1970s और 80s में तो ये बहुत भयंकर भी हो गया था. तो यहाँ पर हमें वो सारी चीजें देखने के लिए मिलती है. इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट है तमिल और सिंहालीज का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इस नॉवल की थीम भी कह सकते हो आप. और एक जो श्याम सेल्वादुराई है वो गे थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, तो ये होमोसेक्सुअलिटी भी इस नॉवल की एक थीम हो सकती है. कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ 6 पॉइग्नेंट स्टोरीज अबाउट द बॉय नेम्ड आरजी. माय मिस्टेक, आई टोल्ड 5 स्टोरीज बट बेसिकली देयर आर 6 स्टोरीज एंड लास्ट स्टोरी इज लाइक एपिग्राफ. सो वो इतनी बड़ी नहीं है, आई डिडंट कंसीडर दैट हियर. सो बेसिकली देयर आर 6 पॉइग्नेंट स्टोरीज. आरजी जो है इसके प्रोटैगनिस्ट हैं एंड आरजी इज होमोसेक्सुअल. सो आरजी प्रोटैगनिस्ट आपको पता चल गया. शोज जर्नी फ्रॉम ल्यूमिनस सिंप्लिसिटी ऑफ चाइल्डहुड इनटू द मोर इंट्रिकेटली शेडेड वर्ल्ड ऑफ अडल्ट्स. तो एक तरफ तो जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो एकदम सिंप्लिसिटी वाली लाइफ जीते हैं, किसी चीज से मतलब नहीं होता. बट जब हम अडल्ट हो जाते हैं एक अलग ही वर्ल्ड में चले जाते हैं, हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं विद इट्स सीक्रेट्स, इट्स इनजस्टिस एंड इट्स कैपेसिटी फॉर वायलेंस. सो ये सारी चीजें हम इस नॉवल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं.
सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. सो कैरेक्टर्स का पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप प्लॉट समरी या फिर नॉवल की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले सको. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज आरजी, हु इज द प्रोटैगनिस्ट एंड ही वॉज होमोसेक्सुअल बॉय. देन तनुजा हर फैटनेस. सो जो तनुजा है वो आरजी की कजिन होती है. शी ड्रेसेस अप एज द ग्रूम ड्यूरिंग देयर गेम ऑफ ब्राइड ब्राइड. तो ये मैं आपको स्टोरी में भी बता दूंगी. वैसे ये ब्राइड ब्राइड का गेम खेल रही होती है. जो तनुजा होती है वो ब्राइड बनकर आ जाती है. जैसे बचपन में ब्राइड ग्रूम का दूल्हा दुल्हन वाला खेल खेलते हैं बच्चे, उस तरीके से जो तनुजा है वो ब्राइड के रूप में आ जाती है. अर्जी याद रखना. देन सोनाली. सोनाली जो है वो अर्जी की सिस्टर है और जो डिगी है वो अर्जी का ब्रदर है. देन अम्मा. अम्मा इज अर्जीज मदर. फर्स्ट एक्सपोजर टू फेमिनिटी एंजॉयड वॉचिंग हर गेट रेडी फॉर स्पेशल ओकेजन्स. सो जो अर्जी की अम्मा है, अर्जी का जो फेमिनिटी से फर्स्ट एक्सपोजर हुआ वो अपनी माँ को देखकर ही हुआ. जब भी उसकी मम्मी किसी पार्टी और ओकेजन में जाने के लिए रेडी होती थी तो अर्जी उन चीज़ों को देखकर बड़ा इंजॉय करता था और उसकी मम्मी जब भी रेडी होती थी तो वहीं पर बैठ जाता था, सारी चीज़ें नोटिस करता था. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज अप्पा, हु इज अर्जीज फादर. देन अम्माची एंड अप्पाची. अम्माची इज आरजीज ग्रैंड मदर एंड अप्पाची इज हिज ग्रैंड फादर. देन राधा आंटी. राधा आंटी वॉज आरजीज आंट, कम्स टू लिव विद हिज फैमिली. शी एंड आरजी हैव अ स्पेशल बॉन्ड. सो राधा आंटी वॉज आरजीज आंट एंड शी वॉज लिविंग विद आरजीज फैमिली. सो वाइल शी वॉज लिविंग विद दैम, आरजी का उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज अनिल जयसिंघे. राधा आंटीज रोमेंटिक इंटरेस्ट causes turmoil in family due to Sihali's Tamil conflict. So, जो अनिल जयसिंघे है वो सिहाली है और जो हमने ये अर्जी की फैमिली डिस्कस की अभी, ये इंडियन तमिल्स हैं. तो जो अनिल है वो राधा आंटी के रोमांटिक इंटरेस्ट, मतलब उनका अफेयर चल जाता है और इस कारण इन दोनों फैमिलीज के अंदर सिहाली's Tamil conflict एंटर हो जाता है बिकॉज देवर तमिल और जो अनिल है वो सिहाली है. तो जो भी सिहाली कम्युनिटी है वो ये चीज़ पसंद नहीं कर रही थी कि जो अनिल है वो तमिल्स के साथ अच्छा रिलेशन कर रहा है. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज डैरियल अंकल. अ बर्गर फ्रेंड ऑफ अम्मा एंड प्रीवियस लवर रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट करप्शन. सो डैरियल अंकल जो है वो अर्जी की मदर के फ्रेंड और लवर थे बिफोर शी मैरिड टू अर्जीज फादर. एंड नाउ डैरियल अंकल रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं श्रीलंका में गवर्नमेंट के करप्शन का कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज जेगान परमेश्वरन. Son of friends of Appa comes to work for him, former Tamil tiger. So Jegan Parmeshwaran, Jegani याद रखो, ये अर्जी के जो फादर हैं, अर्जी के फादर के एक फ्रेंड है, उनका बेटा है. और जेगान जो है यहाँ पर इसके अर्जी के फादर के यहाँ पर आया काम करने के लिए. उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था तो अर्जी के फादर का एक बिजनेस है तो उसके फ्रेंड का बेटा यहाँ आ जाता है. वो इन्हीं की फैमिली के साथ यहाँ रह रहा था. लेकिन जो ये जेगान था, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये तमिल टाइगर्स के साथ पहले एसोसिएटेड था. बाद में इन्हें ये जब चीज़ पता चलती है तो ये जेगान को भेज देते हैं, यहाँ से काम करने की परमिशन अलाउ नहीं करते. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज शिहान सोएजा. आरजी इज लव इंटरेस्ट. मीट्स एट विक्टोरिया अकेडमी. सो जो शिहान है वो भी होमोसेक्सुअल है एंड ही वॉज आरजीज लव इंटरेस्ट एंड बोथ ऑफ देम मेट एट विक्टोरिया अकेडमी. देन नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज द ब्लैक टाई. द ब्लैक टाई इज अ निक नेम और पेट नेम फॉर द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल ऑफ विक्टोरिया अकेडमी. वायलेंटली बीट्स हिज स्टूडेंट्स इफ दे वायलेट एनी ऑफ अकेडमीज रूल. सो ब्लैक टाई जो है वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, विक्टोरिया अकेडमी के प्रिंसिपल हैं और अगर कोई भी बच्चा रूल फॉलो नहीं करता है, प्रोहिबिट करता है, तो ये उसे बड़ा मारते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्लॉट समरी. सो गाइज, हियर इज द प्लॉट समरी. इन फर्स्ट चैप्टर इज पिग्स कांट फ्लाई. सो दिस पार्ट यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आप नॉवल समझना चाहते हो तो. सो फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है, दिस पार्ट और दिस नॉवल यू कैन से बिगिंस विद द स्पेंड द डेज ग्रैंड चिल्ड्रन कॉन्ग्रीग्रेट एट अम्माचीज एंड अप्पाचीज होम. तो ये चैप्टर या ये नॉवल किस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन थे ये सब अम्माची और अप्पाजी के घर यहाँ पर आए होते हैं. इनकी छुट्टियाँ होती हैं तो वो हॉलीडेज यहाँ पर ये वेकेशंस के लिए आए होते हैं अम्माची और अप्पाजी के घर पर. तो सभी बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं. अर्जीज एंड हिज कजन प्ले देयर गेम ऑफ ब्राइड ब्राइड. तो ये गेम खेल रहे होते हैं, मैंने आपको भी ऊपर बताया था. गेम इंटरप्टेड व्हेन तनुजा हर फिटनेस रिफ्यूजेस इन इंडल्ज अर्जीज डिजायर टू बी ब्राइड. तो गेम अच्छे से चल रही होती है, सब बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है, गेम खराब कब हो जाती है, जब ये अर्जी की कजन होती है तनुजा, ये तनुजा अर्जी को मना कर देती है कि तुम ब्राइड नहीं बनोगे क्योंकि तुम एक लड़के हो और सोशल नॉर्म ये है कि जो लड़के होते हैं वो ग्रूम ही बनेंगे, तो ब्राइड तुम नहीं बन सकते. इस बात पर इनका हो जाता है झगड़ा.
So adults discover their game and one uncle informs Arjay's father, you have a funny one here. तो ये बच्चे अपना आराम से गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जो तनुजा है वो चिल्लाने लग जाती है कि अर्जी तुम ब्राइड नहीं बन सकते। इस तरीके से इनकी बहस हो जाती है और अडल्ट्स को इसके बारे में पता चल जाता है कि ये गेम खेल रहे थे। और उन्हीं अडल्ट में से एक अंकल होते हैं जो ये सारी बातें सुन लेते हैं और अर्जी के फादर को जाकर बोलते हैं, यू हैव अ फनी वन हियर, इट्स मीन ही वॉज मॉकिंग अर्जी, वो अर्जी का मजाक उड़ा रहे थे, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। देन अर्जी इज नो लॉन्गर अलाउड टू प्ले विद द गर्ल्स। इस सीन के बाद जो अर्जी के फादर होते हैं उन्हें बड़ा बुरा लगता है और इसके बाद वो अर्जी को गर्ल्स के साथ खेलने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करते। व्हेन ही क्वेश्चन्ड हिज मदर शी रिस्पॉन्ड्स, बिकॉज स्काई इज सो हाई एंड पिक्स कांट फ्लाई दैट्स व्हाई। तो अर्जी के फादर जब उसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है जब उसके अंकल बोलते हैं अर्जी के फादर को, यू हैव अ फनी वन हेयर, और इस तरीके से बहुत सारी सीन क्रिएट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ पूरा डिटेल चैप्टर डिस्कस करूं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं अलग से चैप्टर वाइज भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। सो इस चीज पर जो अर्जी के फादर होते हैं उन्हें बड़ा गुस्सा आ जाता है, अर्जी को गर्ल्स के साथ खेलने के लिए मना कर देते। तो जो अर्जी होता है वो अपनी मदर से पूछता है कि फादर मुझे गर्ल्स के साथ खेलने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। तब उसकी मम्मी जवाब देती है, बिकॉज स्काई इज सो हाई पिग्स कांट फ्लाई दैट्स व्हाई। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है पिग्स कांट फ्लाई। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेकंड चैप्टर। सो सेकंड चैप्टर इज राधा आंटी। चैप्टर फोकस ऑन रिटर्न ऑफ राधा आंटी फ्रॉम अमेरिका। सो ये चैप्टर किस तरीके से स्टार्ट होता है, जो राधा आंटी है वो अमेरिका से वापस आ गई है श्रीलंका। राधा आंटी एंड आरजी डेवलप अ स्पेशल रिलेशनशिप, बोथ बिकेम इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ द किंग एंड आई। सो जो राधा आंटी होती है और जो अर्जी होता है उनका एक बहुत प्यारा सा अच्छा सा रिलेशनशिप बन जाता है, और जो ये दोनों होते हैं जैसे स्टेज परफॉर्मेंसेज होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। द किंग एंड आई एक स्टेज परफॉर्मेंस वहाँ हो रहा होता है उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल दो शी रिसीव्स एन एंगेजमेंट ऑफर फ्रॉम रंजन नगेंद्र, शी इज रिलक्टेंट एंड डेवलप्स अ फ्रेंडशिप विद अनिल जयसिंगे सिंहालीज हु इन्वॉल्व इन द प्ले। तो जो राधा होती है उसके लिए ऑलरेडी एक एंगेजमेंट ऑफर आया होता है रंजन नगेंद्र का। सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस नेम इन द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, आप लोग इसको मेंशन कर लेना। सो राधा आंटी के लिए एक एंगेजमेंट प्रपोजल या ऑफर आया होता है रंजन नगेंद्र का, लेकिन जो राधा आंटी होती हैं वो उसे पसंद नहीं करती, बिकॉज उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है अजय जयसिंगे से। और अजय जयसिंगे कौन है, एक सिंहालीज है और वो भी इस प्ले में इन्वॉल्व है। इट्स मीन राधा आंटी और अजय जयसिंगे एक दूसरे से मिलते हैं इस प्ले के दौरान, एंड उन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन या प्यार जो भी आप कहना चाहो वो हो जाता है। हर फैमिली वॉन्ट्स एंड एनकरेजेस हर टू पुट एन एंड टू द रिलेशनशिप। सो जो आरजी की फैमिली है, राधा आंटी की जो फैमिली है, वो बोलती है राधा आंटी को कि अपना ये जो भी रिलेशनशिप या जो भी चल रहा है अनिल के साथ इसको खत्म करो, बिकॉज ही वॉज सिंहालीज और हमारे सिंहालीज के साथ, तमिल्स के सिंहालीज के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। सो यू हैव टू स्टॉप योर रिलेशनशिप विद हिम, और उसको बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड करो। राधा गोज टू जाफना टू फॉरगॉट अबाउट अनिल। तो राधा को जाफना भेज दिया जाता है ताकि वो अनिल को भूल जाए। जाफना अगेन अ प्लेस इन द श्रीलंका। सो राधा जाफना जाती है ताकि वो अनिल को भूल जाए। ऑन हर रिटर्न जर्नी शी एंड अदर तमिल्स आर अटैक्ड ऑन द ट्रेन। राधा नहीं भूल पाती है अनिल को, लेकिन जब वो आ रही होती है वापस अपने घर, तो उस पर और जो उस ट्रेन में बाकी तमिल लोग होते हैं उन पर हो जाता है अटैक, एंड इवेंचुअली राधा बिकम्स एंगेज टू रंजन। राधा को पता चल जाता है कि उसकी फैमिली उसको क्यों अनिल से दूर होने के लिए बोल रही है, क्योंकि तमिल्स के और सिंहालीज के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। राधा ये चीज़ रियलाइज कर लेती है जब उस पर अटैक होता है ट्रेन में, एंड देन शी एंगेज्ड टू रंजन। इट इज थ्रू द फ्रेंडशिप बिटवीन हिज आंट एंड अनिल दैट आरजे बिगिंस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी एंड तमिल सिंहालीज कॉन्फ्लिक्ट। तो जो आरजी था वो भी उस प्ले में इन्वॉल्व था किंग एंड आई में, और वहां पर राधा आंटी और अनिल भी थे। इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है, और जब ये दोनों दूर होते हैं उस चीज से अरजी ये चीज समझता है कि एथनिसिटी क्या होती है और तमिल सिंहालीज के कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अ चाइल्ड, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट जब वो चीजें देखता है देन ही रियलाइज्ड। दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर, नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड चैप्टर। सो द थर्ड चैप्टर इज सी नो एविल हियर नो एविल। सो ये स्टोरी, ये चैप्टर किस तरीके से स्टार्ट होता है, अर्जी फादर इज इन यूरोप ऑन अ बिजनेस ट्रिप। इस चैप्टर में, मतलब सेकंड चैप्टर में, जो उसकी आंट होती है राधा आंट, वो एंगेज हो जाती है से नगेंद्र, रंजन नगेंद्र से, एंड देन ये थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है जहां पर जो अर्जी के फादर है वो यूरोप गए हैं एक बिजनेस ट्रिप पर। सो इसी टाइम कोर्स के दौरान क्या होता है, डैरिल अंकल रिटर्न्स टू श्रीलंका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट टॉर्चर।
उसके फादर गए हैं यूरोप बिजनेस ट्रिप पर. इसी टाइम के दौरान क्या होता है, जो डैरियल अंकल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका वापस आ जाते हैं बिकॉज कुछ एलिगेशंस लगे हैं गवर्नमेंट टॉर्चर के उनके इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए. सो आरजेस कॉग्निजेंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री बिटवीन अम्मा एंड डैरियल अंकल, वो जानना चाहता था सारी चीजें, बट उसे लग रहा था कि कुछ तो बात है, बट इज अनश्योर ऑफ द कॉज ऑफ टेंशन अंटिल ही हैज एन इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ दिस देयर अफेयर. सो बाद में अर्जी को पता चलता है कि जो अम्मा हैं और जो डैरियल अंकल हैं दे वर लवर, वो उनका पहले अफेयर चल रहा था. अर्जी बिकम्स वेरी इल. तो ये चीज अर्जी को पता लगती है थोड़े टाइम बाद, मतलब ये नहीं कि पता लगती वो बीमार हो गया, थोड़े टाइम बाद क्या होता है ये सब स्मूथली चल रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद अर्जी की हो जाती है तबियत खराब. और अर्जी की इतनी तबियत खराब होती है दैट अम्मा डिसाइड्स टू टेक हिम फ्रॉम कोलंबो टू द कंट्री साइड टू रिकवर. मतलब यहाँ पर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, दैट्स वाई उन्हें कोलंबो से बाहर जाना पड़ा ताकि अर्जी जल्दी से रिकवर कर जाए. अर्जी इज सरप्राइज दैट डैरियल अंकल विजिट्स टू हिम एंड हिज मदर थ्रू आउट देयर स्टे इन द हिल कंट्री. तो अर्जी इस चीज से बड़ा सरप्राइज होता है कि जो डैरियल अंकल थे वो भी इनके साथ थे इस स्टे में. मतलब जब तक अर्जी कोलंबो से बाहर यहाँ रहा ट्रीटमेंट के लिए, डैरियल अंकल वॉज देयर विद देम. सो थ्रू आउट देयर स्टे अर्जी रिकवर्ड एंड दे रिटर्न टू कोलंबो. उसके बाद जो अर्जी है वो ठीक हो जाता है और वो कोलंबो वापस आ जाते हैं, वाइल जो डैरियल अंकल थे वो जाफना चले जाते हैं क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी थी. न्यूज आती है दैट वायलेंस हैड ब्रोकन आउट इन जाफना. देर वॉज अ न्यूज दैट वायलेंस हैड ब्रोकन आउट इन जाफना. और डैरियल अंकल कहाँ गए थे? जाफना. तो अम्मा बिकम्स वेरी वरिड अबाउट डैरियल अंकल. And then she received words that Daryl's body was found on the beach. It was suspected that he was killed first. अम्मा पहले ही बहुत टेंशन में हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जाफना में कोई अटैक हुआ है, कोई वायलेंस हो रही है. और बाद में जब उन्हें खबर मिलती है कि डैरियल अंकल की बॉडी मिली है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाती हैं. और बाद में ये चीज़ पता चलती है सस्पेक्शन के थ्रू कि उन्हें पहले मारा गया है. अम्मा ट्राइज टू परस्यू द मैटर फर्दर. अम्मा इस मुद्दे को कोर्ट तक या और खींचना चाहती थी बट अ सिविल राइट लॉयर टेल्स हर नथिंग दे कैन डू. क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर एविडेंस. तो अम्मा को वो समझाते हैं लॉयर कि कोई फायदा नहीं है. एंड ही सेज वन मस्ट बी लाइक थ्री वाइज मंकीज, सी नो एवल, हेयर नो एवल, स्पीक नो एवल. समटाइम्स वी रेफर टू थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी. सो उस तरीके से ये जो लॉयर है ये समझाते हैं अर्जी की मदर को कि इस मैटर में कुछ भी नहीं रखा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अर्जी क्विकली बिकम्स अ मैन, स्टेप्स अप एज अ मैन ऑफ द हाउस एज हिज फादर वॉज अवे, सपोर्ट्स हिज फैमिली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेजेडी. तो अर्जी के फादर तो होते हैं यूरोप में, अब अर्जी पर ही सारी जिम्मेदारी होती है, तो वो मैन ऑफ द हाउस की तरह यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखता है इस ट्रेजेडी के टाइम में. सो दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड चैप्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ चैप्टर. सो गाइज हियर इज अ फोर्थ चैप्टर, स्मॉल चॉइसेस. आई होप आपको थर्ड चैप्टर क्लियर हो गया होगा. सो फोर्थ चैप्टर में क्या होता है, प्लॉट शिफ्ट्स. आर्चीज अप्पाज स्कूल फ्रेंड्स सन जेगान कम्स टू फैमिली लुकिंग फॉर अ जॉब. तो फोर्थ चैप्टर में क्या होता है, जो अर्जी के फादर होते हैं वो भी यूरोप से वापस आ गए हैं और उनके फादर के जो फ्रेंड है उनका बेटा जेगान इनके यहाँ पर आया है जॉब ढूंढने के लिए. उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, अर्जी के फादर का बिजनेस है, दैट्स व्हाई वो यहाँ आ जाता है. जेगान बिगिंस टू वर्क विद हिज फादर एट हिज होटल एंड ऑल्सो लिव्स विद देम. जेगान जो है इनकी होटल में काम करता है, अर्जी के फादर के होटल में काम करता है और इन्हीं के साथ इनके पास रहता है. जेगान वॉज प्रीवियसली एसोसिएटेड विद तमिल टाइगर्स बट इंसिस्ट ही हैज ब्रोकन ऑल द कनेक्शंस नाउ. जेगान जो है उसके तमिल टाइगर्स के साथ एसोसिएशंस थे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब उसने सारे जो भी एसोसिएशन थे या जो भी कनेक्शंस थे सब खत्म कर दिए. जेगान ऑल्सो स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद अर्जी. जेगान की अर्जी से एक अच्छी दोस्ती हो जाती है. ही फील्स हिज होमोसेक्सुअल टेंडेंसी. जो जेगान है वो अर्जी की होमोसेक्सुअल टेंडेंसीज को समझ जाता है. सो ये सारी चीजें चल रही होती है बट तमिल सिंहालीस कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन बिल्ड अप थ्रू आउट. Now Jegan is accused of being involved in a plot to assassinate a Tamil politician. Tamil Tigers label him as traitor. So जो Tamil Tiger हैं वो क्या बोलते हैं जेगान को कि एक traitor है, ये देशद्रोही है, इसने हमें धोखा दिया. Because देखो जो Tamil Tiger है वो Tamils के लिए थी और जो आर्ची के फादर थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट इनके ऊपर आए. लेकिन बाद में पता चलता है कि जो जेगान था वो इन्वॉल्व था तमिल पॉलिटिशियंस के साथ, तमिल टाइगर्स के साथ, और उसने एक तमिल पॉलिटिशियन का एसेसिनेशन में हेल्प की है. नाउ पर डिसाइड्स इट इज बेस्ट टू फायर हिम. बाय मिस्टेक आई टाइप्ड फाइंड देयर बट इट वॉज फायर. सो उसके फादर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जेगान को फायर करना, यहाँ से निकाल देना ही सही रहेगा, अदरवाइज वो इनके लिए भी टेंशन ही क्रिएट कर सकता है. So that's all about the fourth chapter. Now we'll discuss about the fifth chapter.
So guys, here is the fifth chapter, which is the best school of all. अप्पा डिसाइड सेंड्स अर्जी टू विक्टोरिया अकेडमी. सो जो पिछला चैप्टर था वो वहीं पर खत्म हो जाता है कि जेगान को बाहर निकाल देते हैं वो काम से. अब उस चैप्टर का यहाँ पर कोई लिंकेज नहीं है. फिफ्थ चैप्टर में क्या होता है, जो अर्जी के फादर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अर्जी को विक्टोरिया अकेडमी भेजेंगे पढ़ने के लिए. देयर ही कैचेस द अटेंशन ऑफ अ बॉय नेम्ड शेहान सोएजा एज वेल एज अ नोटोरियस स्कूल प्रिंसिपल. वहाँ पर उस स्कूल में विक्टोरिया अकेडमी में क्या होता है, अर्जी पर नज़र पड़ती है शेहान की और उस स्कूल के प्रिंसिपल की. Digging hints him, Shehan is a boy, stay away from him. So, देखो क्या होता है, अर्जी जो है जब वो शेहान से मिलता है, अर्जी को नोटिस कर लेता है शेहान भी और अर्जी भी नोटिस कर लेता है शेहान को. ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात बात करते हैं तो डिगी जो अर्जी का ब्रदर होता है वो अर्जी को वॉर्न करता है कि शेहान से दूर रहो, वो सही लड़का नहीं है. अर्जी अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स हिम एज बोथ स्पेंड्स मोर एंड मोर टाइम टुगेदर. लेकिन जो अर्जी अपने भाई की वार्निंग के बाद भी, हालांकि छोटा भाई होता है लेकिन अर्जी उसके बाद भी अपने भाई की इस चीज़ पर फोकस नहीं करता, ध्यान नहीं देता. इनफैक्ट वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाता है शेहान की तरफ, दोनों ही. अर्जी निकनेम्ड प्रिंसिपल एज ब्लैक टाई रिसाइट्स टू पोएम्स एट एन अपकमिंग स्कूल फंक्शन. तो जो अर्जी होता है वो स्कूल प्रिंसिपल को मतलब एक पेट नेम, उनका निकनेम रख देता है ब्लैक टाई. और स्कूल प्रिंसिपल जो है वो अर्जी को बोलते हैं कि अपकमिंग स्कूल फंक्शन में तुम्हें दो पोएम्स रिसाइट करनी है. और जो ये स्कूल फंक्शन था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था. दिस फंक्शन एंड पोएम इंपॉर्टेंट टू ब्लैक टाई एज इट विल बी द फाइनल प्ली टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम रीऑर्गेनाइजिंग द स्कूल. अदरवाइज जो गवर्नमेंट थी वो स्कूल को रीऑर्गेनाइज करने वाली थी, इसीलिए ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि स्कूल की एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाए. बट अर्जी गेट्स नर्वस एंड फॉरगेट्स हिज लाइन. अर्जी नर्वस हो जाता है और अपनी लाइन्स भूल जाता है, सारा सीन यहाँ पर खराब हो जाता है. सो प्रिंसिपल बीट्स बोथ ऑफ देम. प्रिंसिपल शेहान को और अर्जी को, दोनों को मारते हैं. देखो अर्जी को तो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो गलत सुनाता है, और शेहान को इसलिए मारते हैं क्योंकि जो शेहान है वो अर्जी का फ्रेंड है. वन डे शेहान किसेस अर्जी ऑन हिज लिप्स. नाउ अर्जी बिगिंस टू कॉम्प्रीहेंड हिज ऑन सेक्सुअलिटी. सो वॉट हैपेंड ऑन वन फाइन डे, शेहान किसेस अर्जी एंड नाउ अर्जी ऑल्सो रियलाइज दैट he was homosexual. He realized or comprehend his own sexuality. Later they have their first sexual encounter together in his parents' garage. So what happened, first of all they had their first kiss and then they had their first sexual encounter in the parents' garage. So these things showed that both of them were homosexual. Afterwards Archie feels ashamed of himself and believes he has failed his family and their trust. इसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, देन अर्जी रियलाइज करता है कि उसने बहुत गलत किया. वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है एंड ही रियलाइज कि उसने अपनी फैमिली के साथ धोखा दिया है, उनका विश्वास तोड़ा है. सो इन दिस वे दिस चैप्टर एंड्स एंड नाउ ओनली वन फाइन चैप्टर इज लेफ्ट विच इज राइट जनरल एंड एपिलॉग. आई स्पोक एपिग्राफ इनिशियली, इट वॉज एन एपिलॉग. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, दैट्स वाई ही मिस्टेक हो जाती है समटाइम्स. सो सिक्स चैप्टर इज राइट जनरल. ये एक एपिलॉग है, छोटा सा है, मतलब जो भी चीज़ें किस तरीके से सही होती हैं. सो दिस वॉज द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस नॉवल. राइटर्स स्टार्ट टू बर्न डाउन तमिल्स होम इन कोलम्बो. जो भी दंगे फसाद होते हैं ना, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है इस चैप्टर में. सो जो राइटर्स होते हैं, वो लोग जो वॉयलेंस करते हैं, वो तमिल लोगों के घर जलाने लग जाते हैं कोलंबो में. हिज फैमिली एस्केप्स टू अ नेबर्स हाउस, मॉब कम टू बर्न डाउन देयर होम. तो जो यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से दंगे होने लग जाते हैं, वॉयलेंस हो रहा होता है, और जो अर्जी की फैमिली होती है वो सही टाइम पर अपना घर छोड़कर अपने नेबर्स के घर में चली जाती है, वहां जाकर छुप जाती है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक भीड़ का ग्रुप आता है, क्राउड आता है, मॉब आता है और वो उनके घर को जला देता है. His hotel was attacked and Ammachi and Appachi are killed. उनका होटल जो है वो पूरा जल जाता है, अटैक हो जाता है, और जो अम्माची और अपाची होते हैं अर्जी के ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, बोथ ऑफ देम डाइड इन दैट वायलेंस. हिज फादर डिसाइड्स दैट इट्स हाई टाइम टू लिव दिस कंट्री. उसके फादर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर इस कंट्री में हमारा रहना पॉसिबल नहीं है, हमें ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी. बिफोर लिविंग अर्जी मेक्स लव टू शेहान फॉर द लास्ट टाइम. सो यहाँ से जाने से पहले अर्जी शेहान से लास्ट टाइम मिलता है एंड बोथ ऑफ देम मेक्स लव. अर्जी लिव्स श्रीलंका एंड मूव्स टू कैनेडा विद हिज फैमिली एंड आफ्टर दैट अर्जी लिव्स श्रीलंका विद हिज फैमिली एंड मूव्स टू कैनेडा. सो इन दिस वे दिस नॉवल एंड्स. आई होप आपको ये जो नॉवल है अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसकी समरी, और कोई भी डाउट है तो यू गाइज कैन आस्क मी. नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स.
सो फर्स्ट थीम एज आई इनिशियली टोल्ड यू तमिल सिंहालीज कॉन्फ्लिक्ट विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम और आपको इस जो मैंने आपको पॉइंट्स प्रोवाइड कराए उसमें आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिली गई होगी. देन होमोसेक्सुअलिटी, देन नेशनलिज्म. ऑब्वियसली नेशनलिज्म क्यों, क्योंकि जो सिंहालीज हैं वो सोचते हैं कि जो श्रीलंका है वो उनका पार्ट है और जो तमिल लोग हैं वो इंडियन है, उन्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए. सो नेशनलिज्म वॉज द फीलिंग बिहाइंड तमिल सिंहालीज कॉन्फ्लिक्ट. सो इट वॉज ऑल्सो अ थीम. देन वायलेंस, हमने देखा कि अर्जी के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी मर जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं. वायलेंस इतना ज्यादा हो जाता है दैट दे हैड टू लिव द कंट्री. देन फॉरबिडन लव एंड फैमिली, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम हियर. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिम्बल्स, सो फर्स्ट सिम्बल इज द ब्राइड गेम, इज ब्रेक फ्रॉम नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स हमने बना रखे हैं दैट बॉय शुड बी अ ग्रूम एंड गर्ल शुड बी अ ब्राइड. सो इस तरीके के जो नॉर्म्स है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहा है. सो इट सिंबलाइजेज दैट. एंड देन अर्जीज बर्नड हाउस सिंबलाइजेज द वॉयलेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, नेशनलिज्म फीलिंग, पेट्रियाटिक फीलिंग. सो दीज आर द थिंग्स. आई होप आपको ये जो नॉवल है अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप. आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम जिस भी टॉपिक पर डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अबाउट दैट एज वेल. सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.